सो हेलो एवरीवन। और हम लोग यहाँ पर गार्डन में हैं। सुजय सर काफ़ी रिलैक्स मोड में दिख रहे हैं, तो सुजय सर इतना रिलैक्स आरामदायक मोड में कैसे? सेशन हुआ मैराथन, अच्छा खासा लंबा 3 घंटे का हुआ। अच्छा, फिर कल फिर से मैराथन है, तो उसके लिए मटेरियल भी रेडी कर लिया हूँ। और बस काफ़ी सारा काम हो गया था, तो बस मैं सोचा कि थोड़ा सा खुली हवा में आया जाए, क्योंकि मैं आते जाता हूँ कभी कभी, जब मेरे को एकदम ऐसा लगता है कि बहुत सारा स्ट्रेस हो गया और हैवी हो गया, तो फिर मैं आ जाता हूँ कि थोड़ा सा आधे घंटे भी अगर मैं खुली हवा में रहता हूँ ना, 15-20 मिनट में काफ़ी रिलैक्स मेरे को लगता है। क्या बात है, स्पेशली ये गार्डन तो मतलब सर उसी एक मैं क्वेश्चन करूँगा, रिलैक्स से आप बोल रहे हो तो स्टूडेंट का मैसेज आता है मेरे पास, जैसे कि स्टूडेंट का ये मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ कि सर मॉक टेस्ट में 20-18 मार्क्स आ रहे हैं, बढ़ाऊँ कैसे मार्क्स, डीमोटिवेशन आ रहा है। ये वक्त ही कुछ ऐसा है, आपको स्टूडेंट को यही रिप्लाई करना पड़ेगा। और मैं आप लोग को भी बता देता हूँ, ये वक्त ही ऐसा है, 20-25 दिन बचे हैं गेट एग्ज़ाम में, मल्टीपल थॉट्स आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब स्टेबल नहीं हो पाता है माइंड। यस एग्जैक्टली, गिव अप करने की बारी आती है। और नंबर्स तो कम आते हैं टेस्ट सीरीज़ में, उससे ही मेन ये पूरी प्रॉब्लम जनरेट होती है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ टेस्ट सीरीज़ की नहीं, अगर कोई पढ़ने भी बैठता है तो उसके मल्टीपल थॉट्स आते हैं कि यार मैं ये हो चुका है, इसको मैं और पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, ये मैं नहीं पढ़ाऊँ, इसको मैं टाइम स्पेंड करूँ कि नहीं करूँ। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा काम हो के, शांत हो के, ठंडा हो के ही सॉल्व करना पड़ेगा। पैनिक कम से कम करना पड़ेगा, जितना पैनिक करेंगे उतना ही प्रॉब्लम यहाँ पे आगे बढ़ती जाएगी। तो स्टेबल हो के, काम हो के, और एक प्लान आउट करना होगा पेन पेपर में बैठ के कि हाँ मैं ये करूँगा, और फिर करना होगा। आप जो भी करोगे सही बैठेगा, बट थोड़ा सा ठंडे दिमाग से प्लानिंग करनी होगी तो सब कुछ सही बैठेगा। और मैं जस्ट एक चीज़ भी आप लोग को बताता हूँ यार, कि ऐसा नहीं है कि ये पहला मैसेज है और भाई 2023 में ही मेरे को ऐसा पहली बार मैसेज आ रहा है। ऐसे मैसेजेस यार हर साल जनवरी के महीने में आते हैं, मिड जनवरी में आते ही आते हैं हर साल। और सर ऐसा भी हमने देखा है कि स्टूडेंट जो हमारे अपने स्टूडेंट भाई ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कि यार 20-25-30 नंबर आ रहे थे खींच के लास्ट तक, कभी किसी टेस्ट में 40 आया हो और गेट में उसने फोड़ दिया हो। एग्जैक्टली, और गेट में फोड़ने को प्लीज आप फोड़ना मत सोचो ना, मतलब रैंक 1 चाहिए मेरे को। हाँ, मतलब रैंक 1 चाहिए कि रैंक 1, मतलब गेट में वो डिजिटल नहीं होता है ना कि 0 और 1, उसके बीच में बहुत बड़ी दुनिया है। yes. हाँ ना, मतलब अगर आपका आईटी में एडमिशन नहीं भी हुआ तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपका कुछ एक अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, जिसमें आप एक ऐसा कॉलेज मिल जाए जो कि उतना फेमस नहीं है, मतलब आप नहीं जानते हो, हालांकि फेमस तो है वो, बट आप नहीं जानते हो। हम आपको गाइड करेंगे ना, आप बस ये देखो कि एक बार परफेक्ट आपका जितना बेस्ट एग्जाम जा सकता है, जितना बेस्ट आ सकता है, अगर 70 नहीं आ सकता है, 50, 55, 60, 65 जितना आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो 50 और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कम से कम 60, आप इतना तो ले आओ। फिर हमारे पास एग्जांपल्स हैं ऐसे, अपने एक स्टूडेंट ही जीसी रायपुर वाली है ना, तो ऐसे ही लगभग मार्क्स आते हैं, 1900 के आसपास रैंक था, 1900 या 2000 रैंक था, और उसकी एमटेक में प्लेसमेंट लगभग 18-20 लाख का हुआ था, टेक्सास कंपनी थी। हाँ। कुछ भी हो सकता है, नाम इधर उधर हो सकते हैं, बट लगभग यही फिगर था, 23 लाख का पैकेज था, मेरे को ऐसा याद आ रहा है, 23 लाख का पैकेज था। तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जो बेस्ट आप दे सकते हो वो बेस्ट दीजिए, बाद में हम गाइड करेंगे आपको। आप एक बार जी सॉरी, मैं तो एक रिसेंट एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ। एक स्टूडेंट था, उसका वो पढ़ा सर जा करके बिट्स हैदराबाद में, समझ गया मैं, आप समझ गए, और उसने पैकेज फोड़ा भाई, और उसका भी रैंक कुछ ऐसा नहीं था सर कि अंडर 100 था, अंडर 500, अंडर 1000, ऐसा 1000 के आसपास ही कुछ होगा आई थिंक। हाँ तो आप लोगों ना, आप लोग यार, और उसके भी मैं बता दूं, ऐसे उसका भी प्लेसमेंट वैसे ही था ना, उसका तो बल्कि क्वालकॉम था और ज्यादा भी था शायद, 25-25 लाख था भी। तो भाई ऐसा नहीं है कि 20-25 टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं और आप डिमोटिवेट हो गए और गिव अप मारने के बारे में सोच रहे हो, तो ये वक्त ही सर बोले सही कि भाई ये वक्त ही कुछ ऐसा है कि डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आएंगे, साइड करो, मोटिवेटेड हो, और ये 25-30 दिन अच्छे से जी लो भाई, अच्छे से प्रिपरेशन करके गेट का एग्ज़ाम तक कुछ माइंड में मत आने दो। बिल्कुल, और थोड़ा सा कोशिश करो कि फोकस बना सको अपना, है ना, और जब भी पढ़ने बैठो लॉन्ग टर्म तक जितना ज़्यादा देर पढ़ सकते हो उतना देर से पढ़ो, ठीक है, नए टॉपिक्स को अवॉइड कर दो, ठीक है, और रिवीजन पे फोकस करो, जितना पढ़ के गए हो उतना अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जैसे ही वो कॉन्सेप्ट या वो क्वेश्चन ऐसा कुछ दिखे और फटाक से आंसर निकले और सीधे आप उसको आगे चलो। पूरा आपका प्लान रेडी होना चाहिए वो 3 घंटे का, प्लीज़ वो 3 घंटे का प्लान आप एक दिन पहले रेडी नहीं करोगे, ये जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना,
इस मॉक टेस्ट को देते हुए ही उस एक्सपीरियंस से ही आपको फाइनल जो 3 घंटे गेट एग्जाम के है उसका प्लान रेडी करना है, क्योंकि प्लान उसका अभी बनेगा, एक दिन पहले नहीं बनेगा। सो ये सब जो मेहनत आप कर रहे हो वो इसीलिए कर रहे हो कि भाई पहले एप्टीट्यूड बनाओगे कि पहले टेक्निकल पोजिशन बनाओगे, 1 मार्क 2 मार्क कैसे हैंडल करोगे, क्या होगा। तो जितने टेस्ट देते जाओगे, वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज़, क्वेश्चन को स्किप करना है मतलब रिव्यू करना है तो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये सब कुछ प्लानिंग आपकी अब हो जाएगी जितना ज़्यादा टेस्ट अच्छे से दोगे। और टेस्ट की गलतियों को प्लीज़ सुधार लो, क्योंकि अदरवाइज इतना टेस्ट देने का मतलब ही नहीं है। yes. क्योंकि टेस्ट देने का मतलब ही होता है कि भाई आपको गलती पता चले, अब गलती को सुधारो। ऐसा नहीं है कि मतलब गलती पे गलतियाँ कर रहे हैं लेकिन सुधार ही नहीं रहे हैं, तो फिर आपके टेस्ट देने का कोई भी मतलब नहीं होगा। राइट, और टेस्ट के मार्क्स की जगह गलती पे फोकस कीजिए। यस एग्जैक्टली। तो आई थिंक बेस्ट विशेज हैं हम सभी की तरफ से, हम लोग बने हुए हैं और बने हुए रहेंगे अभी आने वाले दिनों में भी। आप प्लीज़ हार मान के मत बैठो, जितना हो सकता है 20 नंबर से 25 नंबर करो, 25 से 30 करो, 30 से 35 करो, कैसे भी करके जो बेस्ट हो सकता है, 50 60 70 80 जो बेस्ट हो सकता है आप उतना लेके आओ। उसके बाद हम पोस्ट ग्रेड गाइडेंस में देखेंगे कि आपके जो भी मार्क्स आए हैं उससे आपको क्या बेस्ट कॉलेज मिल सकता है जिससे आपको आगे जाके एक बेहतरीन प्लेसमेंट मिल सके और आपकी लाइफ सेट हो जाए। ओके सर। ओके, थैंक यू।